दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ वो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत आसान रेसिपी से आप लोगों को बताऊंगी जो हर कोई बना सकता है। जो नए बच्चे हैं खास करके, उनको बहुत चीज़ें बनानी नहीं आती हैं और वो जब जॉब करते हैं, संडे को जब छुट्टी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कुछ अच्छा बनाने की। तो उनके लिए बहुत आसान सी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि वो हमेशा, मतलब बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से बना सके। तो दोस्तों शुरुआत करती हूँ मैं नाश्ते की, और क्या क्या किस तरह से रेसिपी है, क्या उसमें पड़ेगा वो सब बताती हूँ। सो गाइस चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, जो बेड़वी तो या बेड़ई कह लो या पूड़ियाँ कह लो, जो भी आप कह सकते हो, तो ये हमारे यहाँ बेड़वी बोलते हैं आगरा में, और यहाँ की बहुत फेमस होती हैं। बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो मैं आज जो बनाने वाली हूँ, तो मैंने लिए हैं ये जो आलू उबाल के, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जैसी बनानी है उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या डालूंगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने आलू जो है बॉईल करके, और इनको अच्छे से मैंने कर लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हो या मैं जैसे मैश कर दिए है। और इनमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स पड़ेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। मैदे का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है ना, मैदा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं खाने के लिए, तो मैंने मैदे की जगह आटा लिया है, सिंपल आटा जो है। तो क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, बाकी इसमें थोड़ी बहुत अगर कम ज्यादा भी हो जाती है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि चीज बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा इस तरह से कि अगर बनाते हैं हम, अच्छी चीज बनती है, संडे के दिन है, छुट्टी वाले दिन है, अगर हम कोई चीज बन नाश्ता, तो थोड़ा चेंज भी हो जाता है अलग अलग, है ना। तो अब ये मैंने एक कटोरी जो है वो गेहूं का जो आटा, सिंपल आटा अपने घर में होता है, वो लिया है। और इसमें क्या डालूंगी मैं, मैंने सूजी ली है, और कितनी ली है वो भी आप लोगों को बता रही हूँ। अगर एक आध चम्मच कम ज्यादा हो जाती है तो सूजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ ये इससे क्रिस्पी बनती है और इसका डालना बहुत जरूरी होता है। सॉफ्ट बन थोड़ी से क्रिस्पी बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ये जो है बेसन लिया है मैंने, थोड़ा सा जितना सूजी लिया उतना ही बेसन लिया है। तो तीनों को मैंने अच्छी तरह से इसमें छान लिया है, और छानने के बाद, और आलू जो है मैंने मैश कर लिए थे, आलू के अंदर ही ये चीजें डाल ली हैं। तो क्वांटिटी में 19-20 हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है ऐसी। नमक है आप, और इसमें जो सिंपल सादा नमक है जो, वो आप डाल सकते हैं, अगर सेंधा नमक खाते हैं तो वो डाल लीजिए। बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं डाली है इसमें, अदरक प्याज लहसुन वगैरह ये चीजें नहीं डाली है। तो अगर क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है, इसलिए मैं बिना प्याज लहसुन के बनाई है। ये डाल ली है मैंने लाल मिर्च, और ये है हींग, लाल मिर्च वगैरह मसाले जैसे आप खाते हैं, आपकी फैमिली में जैसे बच्चे हैं बड़े हैं जैसे खाते हैं उस तरह से खा सकते हो। ये मसाला वो है जो मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ और उसमें यूज करती हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अगर नहीं है तो आप गर्म मसाला भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, अगर क्वांटिटी कम है तो आधा चम्मच डाल लें। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालने वाली हूँ मैंने ये जो हरा धनिया काट के रखा, वो ये मैं आलू को हाथ से जो है ना मैश कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से अच्छे से थोड़ा सा ये आटा गूंद जाएगा। और ये डाल दिया मैंने हरा धनिया काट के रख रखा था मैंने धो के। तो अब इसको आटा को जो है मैं गूंदने वाली हूँ। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी बनाना है तो 5-4 मिनट रखने के लिए, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हो, और अगर आपके पास 15-20 मिनट रखने के लिए तो आप सिंपल पानी ले लें, या ऑप्शनल होता है। और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है या घी है तो थोड़ा सा 1 आध चम्मच ये डाल देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा अच्छे से वाइंड हो जाता है, फूल जाता है और क्रिस्पी बनती है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी हमें खानी होती है, इनमें ऑयली वगैरह कोई ऐसा नहीं होता है कि ऑयली है तो हम नहीं खाए, हर चीज जरूरी होती है शरीर के लिए। रोज तो नहीं खाते हैं, लेकिन हम इस तरह के नाश्ता भी हमें अच्छे भी लगते हैं। और आप इसको सब्जी के साथ, दही के साथ, है ना, और रायता वगैरह भी बना लें, जिस तरह से आप खाना चाहें खा लें। और मैं इनको चाय आय के साथ ही ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये बनती इसी तरह के मसाले वगैरह इसमें पड़े होते हैं, और मैं बहुत ज्यादा मसाले मेरे यहाँ भी नहीं खाए जाते। तो सिंपल सी चीजें पड़ी हुई हैं, तो मैं मुझे लग रहा है कि आप अगर इसको बनाएंगे, कोई भी बनाता है, तो बड़े आसानी से ये बन जाएंगी, और एक ये नए तरीके का जो नाश्ता है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं ये 5-6 जो पूड़ियां हैं इनको मैं बेल के रख ले रही हूँ, और क्योंकि इसको गूंद के आटे को ना कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट के लिए जरूर रखना, क्योंकि सूजी है ना, तो सूजी का फूलना बहुत जरूरी हो जाता है।
इस वजह से 5-10 मिनट के लिए इसको ढक के आप रख देना, और उसके बाद फिर आप उसको ऑलिव ऑयल में, घी में, रिफाइंड में, जैसे भी जो भी आप खाते हो उसमें इसको गरम करके, और पहले तेज आंच पे गरम कर लेना है थोड़ा सा, उसके बाद उसको धीरे कर देना है, क्योंकि जो भी चीज अगर फ्राई होती है ना वो थोड़ी धीमे आंच में होती है तो अच्छा है, लेकिन पूड़ियां हैं इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो इसमें मीडियम आंच जो है होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ये फूल रही है, और मैं 2-4 बना के आपको दिखाऊंगी, एक नहीं, जिससे आपको ये ना लगे कि बस एक फूल गई है तो ये इस तरह से है। तो इसको कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत ज्यादा आजकल बच्चे जो पढ़ने लिखने में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको कुकिंग वगैरह का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, बाहर निकल जाते हैं छोटी एज में, लेकिन हाँ लड़कियों को बहुत जरूरी होता है कि किचन का शौक भी थोड़ा बहुत, और दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो घर में लगता है कि चलो संडे को छुट्टी है हमें कुछ बनाना है, और बनाना भी चाहिए। तो इस तरह के जो है नाश्ते, तो आप बड़े आराम से इजिली वीडियो को देख के या सर्च करके आप बना सकते हो, तो बनाना जरूर, और बनाने के बाद कैसी लगी है वो आप जरूर मुझे बताना। और ये जो मिर्च है मैंने ये मार्केट में, जैसे आपने देखी होगी ना फ्राई की हुई, तो एक मिर्च है मैं इसको कट कर, तो ये मिर्च को जो मैंने फ्राई कर लिया है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से फ्राई करके रखते हैं ना तो खाने में भी अच्छी लगती है, और इसमें क्योंकि मिर्च नहीं रहती है। और ये देखो पूरी आपको मैं जो रखी थी उनको भी सिर के बता रही हूँ, बीच में मैंने मिर्च की वजह से कर दी थी, कितनी अच्छी ये फूली है, तो इसी तरह से बनेंगी ये। और ये दही के साथ, सॉस के साथ, और जिस तरह से भी आप खाना चाहते हो, रायते के साथ या आलू की सब्जी के साथ, वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे खानी है, लेकिन हाँ जब बना के देखना बहुत इतनी स्वाद बनती है, इतनी टेस्टी बनती है, कि अगर आपने एक बार बना ली ना तो पक्का आप हर संडे को आप कहेंगे कि हाँ यही बना लें। और इतना इसका नमक वगैरह मसाला और इस तरह से बनती है कि आपको प्यास भी बहुत अच्छी लगती है, तो पानी की क्वांटिटी भी जो हम कम पीते हैं तो पानी भी अच्छा पिया जाता है। सो दोस्तों ये मैंने जो ब्रेड भी बनाई है, ये आप पूरी कह लो ब्रेड भी कह लो जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ आगरा में ये जो ब्रेड भी है मार्केट में बहुत मिलती है, लेकिन क्या है कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने आपको बताया इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं डाला मैंने, और इसको कोई भी बहुत आसान तरीके से बना सकता है। आप वीडियो को पूरी देखना और रेसिपी आप नोट कर लेना, और उसके बाद आप बनाएंगे ना इतनी बढ़िया बनती हैं, और ये गर्म इस तरह से होती है, ठंडे होने के बाद भी इसी तरह से रहती हैं, और गर्मियों में अगर आप खाते हो नाश्ता करते हो इसका तो पूरा दिन आप पानी भी पी सकते हो। और इसमें मैंने मैदा नहीं डाली है, सबसे प्लस पॉइंट, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो कि आपको नुकसान करे, सिंपल आटे से बनने वाली है। सो दोस्तों ये आप ज़रूर बना के देखना, दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी जैसे आपको मन करे, जिससे आपको चाय के साथ, जैसे भी आप खाना चाहते हैं आप खाइए, पर बना के ज़रूर एक बार देखना, बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छी तरीके से बनती है। सो दोस्तों चलती हूँ मैं, और आप लोग जरूर ट्राई करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बना के जरूर एक बार देखना। थैंक यू।